अपनी ज़िंदगी से कोशिश करें कि अल्लाह साईं को माइनस ना करें। आप देखेंगे हम लोग बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि जी मैंने ये किया तो उसने ये किया तो फिर ऐसे हो गया फिर वैसे हो गया, क्योंकि मैं काम इस तरीके से करना चाहता था, इस तरीके से नहीं हो सका तो ये हो गया। और आप देखेंगे कि इन तमाम बातों में हमारी ज़िंदगी में कुदरत का, अल्लाह साईं का कोई रोल, कोई किरदार ना हमने बाकी छोड़ा है, ना समझते हैं और ना उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से माइनस ना कीजिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, ठीक है, दुनिया पढ़िए, ज़िंदगी पढ़िए, आगे चलें, बंदों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, रब जाने और रब के बंदे। आपने सिर्फ ये देखना है कि अल्लाह साईं को अपनी ज़िंदगी से माइनस किया या नहीं किया। और उसका बहुत आसान सा एक लिटमस टेस्ट है मालूम करने का कि अल्लाह सुबहाना व ताला आपकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में, आपके ख्यालात में है या नहीं। रात को जब सोते हैं ना तो दिन का जायज़ा लीजिए। अगर दिल में ये ख्याल आए कि फ़लाँ स्टॉक में पैसे लगा लेता तो इतने मिल जाते, फ़लाँ शख्स से यूँ बात कर लेता, फ़लाँ जॉब पे अप्लाई कर देता, फ़लाँ बिज़नेस का सोच लेता, यूट्यूब पे फ़लाँ वीडियो देख लेता, तो इसका मतलब है कि अल्लाह साईं आपके रोज़मर्रा मामूलात में शामिल नहीं है। हाँ, ख्याल कुछ यूँ आए कि अल्लाह तेरा बड़ा करम है मेरे मालिक परवरदिगार, दिन अच्छा गुजर गया, तूने रिस्क खोला, तूने खुशी दी, दिल मुतमईन रखा, नमाज की तौफीक हो गई, फ़लाँ काम कर सका, अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा घर ले लिया, सबकी डायरेक्शन अल्लाह सुबहाना व तआला की तरफ हो जाए, तो इसका मतलब अल्लाह साईं ज़िंदगी में भी हैं और माइनस नहीं हुए।